हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रूट के बारे में बताने जा रहे हैं जो HRTC का सबसे चैलेंजिंग लग्जरी बस रूट है। वॉल्वो बस के लिहाज से यहां सड़क इतनी तंग है कि बस को मुड़ने के लिए पूरी पूरी ही जगह है। ऐसी संकरी सड़क से होते हुए बस को ले जाने में जहाँ ड्राइवर्स को खासी परेशानी होती है, वहीं कई बार बस भी इधर उधर रगड़ खा जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकाघाट धर्मपुर वॉल्वो बस की। धर्मपुर ज़िला मंडी में एक छोटा सा शहर है और सरकाघाट से आगे धर्मपुर तक बस में दो चार से ज़्यादा पैसेंजर्स कभी नहीं होते। फिर भी इतनी बड़ी वॉल्वो बस को रोज़ यहां इन तंग सड़कों पर ले जाने का कुछ ज़्यादा औचित्य समझ नहीं आता। इस वीडियो में हम इस बस रूट का सरकाघाट से धर्मपुर का स्ट्रेच कवर करेंगे जो कि सबसे संकरा है। दरअसल जब ये बस शुरू हुई थी तो रूट पहले दिल्ली से सरकाघाट ही था, पर अब इसे धर्मपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली से सरकाघाट तक तो रूट डबल लेन है, मगर सरकाघाट से आगे धर्मपुर के 24 किलोमीटर्स को ये बस करीब 1.5 घंटा ले लेती है। दिल्ली से ये बस रात 8:35 पर चलती है और सुबह 7 बजे यहाँ सरकाघाट पहुँच जाती है। धर्मपुर पहुँचने का समय 8 से 8:30 बजे का है। डिस्टेंस और फेयर की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरकाघाट से धर्मपुर का सफ़र। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और मैं हूं सरकाघाट बस स्टैंड में। सरकाघाट की मैक्सिमम बसेस अब धर्मपुर शिफ्ट हो गई हैं, तो कभी खचाखच बसेस से भरा रहने वाला ये बस स्टैंड अब खाली ही रहता है। सुबह हल्की ठंडक है तो यहां लोग हाथ सेंक रहे हैं। फिर 7 बजे वॉल्वो बस यहां पहुंच गई और करीब 8-10 लोग बस में हैं। सरकाघाट तक तो ऑक्यूपेंसी ठीक है और मैक्सिमम पैसेंजर्स जाहू से सरकाघाट के बीच उतर जाते हैं। बस में आगे जाने वाले जो 3 पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई भी धर्मपुर तक जाने वाला नहीं है। तो 5 मिनट यहां रुककर हम धर्मपुर की ओर चल पड़े। अभी सुबह का टाइम है तो सड़कें खाली हैं, वरना शाम में तो यहाँ माहौल ही अलग होता है। हम यहाँ ओल्ड बस स्टैंड पहुँच गए हैं। और इसके बाद बस इस संकरी सी चढ़ाई से होते हुए आगे बढ़ने लगी। पिछले कुछ महीनों में धर्मपुर और सरकाघाट के बीच लोकल बसेस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और एक एक बस को पास देने में वॉल्वो को तो टाइम लग ही जाता है। सरकाघाट से निकलने के 3-4 किलोमीटर्स के बाद फिर ट्रैफिक थोड़ा कम होता है और बस थोड़ी स्पीड में चल पाती है। वैसे बारिश के टाइम में ये एरिया भी एकदम सुंदर और हरा भरा हो जाता है।
सरका घाट के बाद फिर ये जमसाई और सरोर जैसे छोटे छोटे गांव आते हैं। सरका घाट से धर्मपुर तक पूरा रास्ता सिंगल लेन और संकरा है। ऐसे रास्तों पर वॉल्वो बस की स्पीड तो कम ही रहती है, तो ऐसा मान लीजिए कि बस को हर एक गाड़ी या दूसरी बसों या यहां तक कि स्कूटर को पास देने के लिए भी सड़क से बाहर उतरना पड़ता है। ये सरका घाट से चौथरा जाने वाली लोकल बस है और देख लीजिए कि लोकल बसें भी इससे पहले पहुंच जाती हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जब 2005 में पहली बार वॉल्वो बसेस चली, तब केवल शिमला, मनाली और धर्मशाला को ही दिल्ली से वॉल्वो बसेस की सर्विस दी गई। फिर 2011 में दिल्ली हमीरपुर और दिल्ली बैजनाथ जैसे बस रूट भी शुरू कर दिए गए, पर 2015 के बाद HRTC ने अपने फ्लीट में 100 से ज़्यादा वॉल्वो बसेस जोड़ ली और दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार से हिमाचल प्रदेश के कई शहर वॉल्वो सेवा से जुड़ गए। इसी कड़ी में 2017 में बिलासपुर डिपो द्वारा दिल्ली से सरका घाट वॉल्वो बस भी चलाई गई। उसके कुछ महीनों बाद इसे फिर धर्मपुर तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन खराब रोड और ऑक्यूपेंसी कम होने की वजह से इसे फिर से सरका घाट तक ही चलाया जाने लगा। लेकिन लॉकडाउन में HRTC की सभी बसें बंद हो गई थी और करीब एक साल के बाद बसें दोबारा अपने रूट्स पर चली। इस बार जब दिल्ली सरका घाट वॉल्वो बस चलाई गई तो ये शिमला वन यानी तारा देवी डिपो द्वारा चलाई गई। शुरू में ये बस काफ़ी समय तक सरका घाट तक ही चलती रही, मगर अभी कुछ टाइम पहले इसे वापस धर्मपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया। दरअसल धर्मपुर में HRTC का एक नया बस डिपो बनाया गया है और सरका घाट डिपो की अधिकतर बसें, स्टाफ और रूट भी अब धर्मपुर में शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम पहुंच गए दमसेहरा और यहां पर रिकॉन्क्वियो धर्मपुर बस भी हमसे आगे निकल गई।
और फिर ये नीचे आ जाता है दमसेहरा ब्रिज। इस रास्ते पर छोटे बड़े काफ़ी पुल हैं और इन पुलों को क्रॉस करना बस के लिए चुनौती ही है। ड्राइवर को बराबर ध्यान सारे शीशों पर रखना पड़ता है। ये एकदम शार्प और हेयर पिन बेंड्स हैं और सिंगल लेन रोड पर बस बहुत ध्यान से मोड़नी पड़ती है। और फिर ये एक और संकरा सा ब्रिज आ जाता है। फिर यहाँ पारछू के पास एक लंबा सा खराब स्ट्रेच आ जाता है, मतलब अब जाकर एक प्लेन स्ट्रेच आया तो यहाँ पर रास्ता खराब है। देखा जाए तो ये सड़कें वॉल्वो बस के लिए तो है ही नहीं। ऐसे रास्तों पर इसकी ऐसी हालत देखकर मुझे तो काफ़ी दुख सा हो रहा है। और ये हम टॉरी नाला पहुंच गए। यहाँ बीच में गांव तो बहुत सारे हैं पर सवारी नहीं होती। ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज 2 पैसेंजर्स पिक करने के लिए बस इतना सफ़र तय करती है और कभी कभी तो एकदम खाली भी जाती है। Thank you.
इसके बाद आ गया हुक्कल गांव। सुबह के टाइम ही बस इतनी मुश्किल से निकल पा रही है, तो सोचिए जब शाम का ट्रैफिक होगा तब क्या हाल होता होगा। यहाँ से धर्मपुर अभी 11 किलोमीटर दूर है और अब तक के 13 किलोमीटर के सफ़र को हमने 45 मिनट में पूरा किया और आगे का सफ़र भी ऐसा ही है। ये बिलासपुर डिपो की बस को मिलाकर 8 बसेस इस साइड से सरकाघाट की ओर जाती हुई मिली। इसका मेन रीज़न है कि सरकाघाट से चलने वाली मैक्सिमम बसेस अब धर्मपुर तक बढ़ा दी हैं। और इन टर्न्स को पार करके ये ब्रिज आ जाता है। यहाँ भी बस को बहुत ध्यान से मोड़कर ब्रिज पर लाना पड़ता है। सरकाघाट धर्मपुर रोड हालांकि मेजर नेशनल हाईवे है, मगर कर्व्स की वजह से इसकी हालत ऐसी है कि वॉल्वो बस चलाना तो मुश्किल है। और यहां ये बस भेजना एक घाटे का सौदा भी है। एक तो ऑक्यूपेंसी नहीं है और अगर वॉल्वो बस कहीं टकरा जाए तो कितना नुकसान हो जाता है, और आए दिन बस कहीं ना कहीं तो टच हो ही जाती है। फिर 8:15 बजे हम पहुंच गए धर्मपुर। यहां बस स्टैंड तक आने वाला रोड भी तंग सा ही है। तो इस 24 किलोमीटर के सफ़र को हमें लगे 1 घंटा 10 मिनट, और ये सुबह का हाल था। ड्राइवर साहब ने बताया कि शाम को तो कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं।
तो आप खुद सोचिए कि 24 किलोमीटर के लिए 2 घंटे, ऐसा तो अब दूर दराज के गांव में भी नहीं होता। अब धर्मपुर बस स्टैंड में ये बस शाम तक रुकेगी और शाम 4:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए चलेगी। शाम के 4:30 हो गए हैं और बस यहाँ से चलने के लिए रेडी है। अब हम देखेंगे कि सुबह के मुकाबले शाम में कितना ट्रैफिक होता है और कैसे कैसे बस सरकाघाट तक पहुँचती है। यहाँ सड़कें वैसे ही सिंगल लेन हैं और पार्किंग भी रोड पर ही होती है, तो आधा टाइम तो बस यहाँ हॉर्न मारती ही रह जाती है। इस ब्रिज को पार करके इस तरफ आना काफ़ी मुश्किल है। ड्राइवर साहब ने बताया कि इस स्पॉट पर तो एक एक इंच का ध्यान रखना पड़ता है। और ये जनाब बस को आता देखकर भी सीधे आगे आ गए। एक्चुअली शाम में ज़्यादा टाइम इसीलिए भी लगता है क्योंकि धर्मपुर से सरकाघाट के बीच करीब 15 तो बसेज ही मिल जाती हैं जिनको पास देना होता है और दूसरे ट्रक्स और गाड़ियां वगैरह अलग, तो एक एक गाड़ी को पास देते देते तो हालत टाइट हो जाती है। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि आज किस्मत अच्छी है तो कहीं जाम लगा ही नहीं। कहने का मतलब कि सामने से आने वाली बसेस किस पॉइंट पर मिलती हैं वो मैटर करता है। जैसे अगर तंग से मोड़ पर मिले तो जल्दी ही पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और जाम लग जाता है। आज ऐसा सिर्फ एक ही जगह हुआ और वो भी यहाँ सरकाघाट के पास ही।
और यहाँ सरकाघाट ओल्ड बस स्टैंड में तो ट्रैफिक पुलिस का सहारा लेकर ही बस आगे जा पाती है, क्योंकि पीक ट्रैफिक का टाइम होता है। तो 6:05 पर हम पहुँचे सरकाघाट। ड्राइवर ने बताया कि पहली बार शायद इतना जल्दी पहुँचे हैं, हालांकि फिर भी 24 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे से ज़्यादा लग ही गया। नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पहले तो बस को बस स्टैंड में एंटर होने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। ये क्लिप पिछले साल की है, जब सरकाघाट एक मुकम्मल डिपो हुआ करता था। हालांकि अब का हाल देखें तो अधिकतर बसें धर्मपुर शिफ्ट हो गई हैं, तो वॉल्वो बस आराम से आकर काउंटर पर लग जाती हैं। बस का यहां सरकाघाट से चलने का टाइम 6:30 है, और वाया जाहू, घुमारवी, बिलासपुर और चंडीगढ़ होते हुए ये बस सुबह 5:00 दिल्ली पहुंचती है। इस वीडियो के बनवाने में सहयोग के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे तारा देवी डिपो के स्टाफ ड्राइवर जोगिंदर सिंह जी और कंडक्टर रमन जी का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।